हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते होंगे जब भी आप किसी की साइट पर जाते हैं तो अब आपको एक एरर शो होता है, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। ये इसलिए आता है कि अगर आप विंडोज 7 चलाते हैं और अगर आपके डेस्कटॉप में टेम्प फाइल बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं या तो जिसकी वेबसाइट है उसमें SSL सर्टिफिकेट नहीं होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। मैं आपको एक टिक कर देता हूँ, यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट इनका एक्सपायर हो चुका है। जैसे कि इसके बारे में बता दूँ तो ये SSL, इसे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे SSL की सब डिटेल आ जाएगी और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट का जो करंट डेट है यहाँ पे 2 अक्टूबर दिख रहा है और एक्सपायर डेट 9 दिसंबर 2021। ओके, तो इसमें क्या है, कुछ एरर इनके इस वेबसाइट में जो SSL सर्टिफिकेट है थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिक्कत आ चुकी है या कोई करप्ट फाइल यहाँ पर डल चुकी है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस वेबसाइट को कैसे ओपन कर पाएंगे अगर आपको करना है। मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ, जैसे malaysian.com है, ये हमारी साइट है, इसको हमने खुद किया है और आपको समझाने के लिए इसको फिक्स करेंगे और आपको इंस्टेंट फिक्स करेंगे, लाइफ टाइम सॉल्यूशन रहेगा आपका, परमानेंट सॉल्यूशन बता रहा हूँ। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस अपने अगर तक मेरे चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो जैसे कि सर, जैसे हमें अब आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 डॉट पर क्लिक किया, देन आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलेगा, सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। ओके, सेटिंग्स में क्लिक करने के बाद आपको एक छोटा सा ऑप्शन करना है और बाकी प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, और जैसे कि आपको बहुत सारा बता रहा होगा क्लियर ब्राउजिंग डाटा, हमने भी बताया वो मेथड अब ओल्ड हो चुका है, न्यू मेथड आपका ये आया है, आपको करना है सिर्फ सिक्योरिटी पे क्लिक। सिक्योरिटी पे क्लिक करना है, सिक्योरिटी पे क्लिक करूँगा और आपको यहाँ पे आपका आ रहा होगा स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, आपका ये वाला आ रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ ये वाला आपको आ रहा होगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको एनहेंस प्रोटेक्शन क्लिक करना है। मैंने एनहेंस प्रोटेक्शन क्लिक किया हुआ है, एक सेकंड, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बता देता हूँ अच्छे से, और यहाँ पे जैसे कि यहाँ से मैं मार्क किया तो एनहेंस प्रोटेक्शन, और अगर आपका यहाँ पे जैसे कि आपका होगा स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन, तो हमें स्टैंडर्ड प्रोटेक्शन से एनहेंस प्रोटेक्शन कर लेना है। एनहेंस प्रोटेक्शन करने के बाद यहाँ पे आना है, एक बार रिफ्रेश करना है इसको, देन आपको क्या करना है, एडवांस पे क्लिक करना है। आप कहेंगे ये पहले से आ चुका था, इस पर हम क्लिक करते हैं, अगर आप पहले क्लिक करते हो फिर जाते तो आपको लाइफ टाइम एरर आता, अब आपको ये एरर नहीं आने वाला है। तो एडवांस पे क्लिक करना है, देन आपको क्या करना है, वेबसाइट पे सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इन साइट को ओपन हो चुका है या नहीं, तो यहाँ पे हम इसको क्लिक कर रहे हैं और साइट को ओपन करके देख रहे हैं, कहीं भी एक दो हमारे जैसे कि अब यहाँ पे हमने इमेज नहीं लगा रखी है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। जैसे कि यहाँ पे सब प्रोडक्ट हमारे अवेलेबल हैं तो सब प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं, जहाँ भी हम प्रोडक्ट देखना चाहें सब प्रोडक्ट आ रहे हैं। तो कैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, यहाँ पे आपको SSL यहाँ पे दिख रहा है ना, या तो आपके विंडोज़ चेंज कर लीजिए या तो जो हमारे जैसे वेबसाइट है हम इसके ओनर हैं तो हम इसका SSL अगर फिक्स करेंगे तो आपका इस आपके डेस्कटॉप पे आएगा ही नहीं एरर, आपका ग्रीन टिक आएगा यहाँ पे। तो कैसे ये जानकारी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वीडियो में बने रहें और हमारे चैनल को ऐसे ही देखते रहें। तो चलिए दोस्त, यहीं तक वीडियो रहने दें, थैंक यू वेरी मच।